ये जो पंचायतें हो रही हैं, किसान पंचायतें, इनका ये मतलब नहीं कि मैं आऊं और भाषण देके चली जाऊं। इनका ये मतलब है कि आप सभी से आग्रह किया जा रहा है, जैसे 112-15 किसान आंदोलन चल रहा है, आप सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। जब जब एक आवाज बॉर्डर से लगे, चौधरी हरपाल जी, योगिंदर यादव जी या और हमारे किसान बड़े नेता, किसान मोर्चा मंच, जब जब आवाज लगे, आपने सबने जाना है, जाना है नहीं जाना, एक बार जोर से बताइए, जाना है, हाँ या ना, जाना है। जब जब कोई आवाज आती है कि आपने जाना है, किसानों का सहयोग करने, जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है। भैया मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सभ्यता का ध्यान रखें, मेरी रिक्वेस्ट है, जिन जिनके दिमाग में गलत फहमी हो रही है, किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है, हर वर्ग का आंदोलन है, हर धर्म का आंदोलन है, हर जाति का आंदोलन है, किसान इसका नेतृत्व कर रहा है, आपसे सहयोग मांग रहा हूं। जो लोग किसानी को ध्यान में रखते हैं और किसान से उगाई हुई फसल जो होती है उसको खावे हैं, सबने एक आवाज में पहुंचना है। अपना माहौल, जो आत्मसम्मान इस आंदोलन से वापस मिला, बहुत बड़ी चीज है, वो देखने को नहीं मिल रहा। हकीकत बात है कि कोई बताने में शर्मावे, मेरे पापा खेती कर रहे हैं गाँव में, शर्मावे। अब पढ़े लिखे लोग और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, भाइयों की बहुत ज्यादा है, सभी के पीछे आई लव किसान लिख रहा ना, तो एक गर्व महसूस कर रही है देश की जनता कि हाँ हम किसान है। गर्व से कहो कि हम किसान है, हमारा धर्म, हमारी जाति कुछ नहीं है, सिर्फ किसानी हमारा धर्म है, किसानी हमारी जाति है, और हमने इसको बरकरार रखना है। एक चीज हमने बरकरार रखनी है, आप देखना आने वाली जितनी नेता नसल हैंगी, सारी सेट रहेंगी, मेरा विश्वास है जी। आपने क्या बरकरार रखना है, किसान एकता जिंदाबाद, आपने इसको बरकरार रखना है। आपका धर्म, आपकी जाति सिर्फ किसान है। जब जब किसान की बात आवेगी, सही कहा, छुआछूत की बीमारी लग जाए ना गांव में, सारे समझे, तो इस बिल को हाथ लगाने से भी लोग डरेंगे, आने वाली नेता नस्ल डरेगी। इस सींग अलझालियो किसानन सो, माननीय मोदी जी ने इन बिलन में लेके आए ये आंदोलन चलो, तो हम इस सींग को नहीं अलझावेंगे, छुआछूत की बीमारी लग जाएगी। ये सच बात है, जैसे चमगादड़ को छुटावे ना, पकड़ के चीमते थे, इन बिलों को ये इस तरीके भी नहीं छुएंगे, सच बात है ये। तो मेरा अनुरोध है यहाँ आने का और यहाँ पे बात बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, ये था कि आप अपनी बात रखें। जब जब किसानों को आपकी जरूरत है, आपके बेटे, आपके बच्चों को, मेरे जैसे युवा को, नारी शक्ति को आपकी जरूरत है, मैं विश्वास करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पहुंचेंगे सहसम्मान से। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, सारे मुझे उम्मीद है। प्रशासन बहुत ज्यादा आया हुआ है, मेरा अनुरोध है भैया, शासन का दबाव जब प्रशासन पे होगा तो थोड़ी गड़गड़ाहट सी हो जा, समझिए ये दबाव में है, हम नहीं है, हम सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, तभी तो हमारे आंदोलन को इतने दिन हो गए, 114-15 दिन ऐसे ही नहीं हुए। तो मेरा अनुरोध है आप प्रशासन को सहयोग करें, ये भी आपको सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करना सर। देखिए आप भी हमारे में से, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब जब आपकी लड़ाई सरकार से होगी, और होगी, एक नेता, एक MP MLA अगर बनता है 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, उसकी पेंशन खत्म नहीं करी जावे, और आप लोग इतनी सेवा देते हो सरकार में, आपकी कर देना है। जब जब आपकी लड़ाई इनते होगी, तो ये नहीं आएंगे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मंत्री, मेरा विश्वास है हम लोग आपके साथ में आएंगे। आप लोग भी अगर ये आपको सहयोग करते हैं, तो आपने भी इनका सहयोग करना है। और मेरा क्या बोलते हैं, अनुरोध है यहाँ के जितने किसान आए हुए हैं इस पावन धरती पे, आज मेरा पहला आगमन है, मैंने बहुत सुना था बीबी नगर में बहुत स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं आसपास के गांव में से भी, तो मैं इस पावन धरती को नमन करती हूँ। और इस परिवार को जोड़ने वाले हमारे प्रहलाद कुनिया जी, मेरे अंकल जी, उन्होंने हमें इस परिवार से मिलाया, सारे परिवार से, इस खूबसूरत मंच को, देश का सबसे बड़ा खूबसूरत मंच, किसान मंच को सजाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनकी समस्त टीम को, हरीश मुड़वाल भाई भी आए हुए हैं। और मेरा अनुरोध है कि सभी लोगों को पता है कानूनों में कमी क्या है। आप तो खेती है प्रैक्टिकली कर रखी, PhD आपने खेत में जाकर, पात्रा साहब की तरह थोड़ी कर रखी है जी, खेत में क्या रखी ना।
तो जब जब आपसे पूछे कमी क्या, तो घेरो, बताओ उन्हें कमी है, और उनसे पूछना फायदे बता दो। ईश्वर साक्षी है कि वो फायदे नहीं बता पा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल उनका टाइम खराब कर रहे हैं। तो मैं तो बस अंत में, समय का बड़ा अभाव है क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं, मेरे बड़े लोग आए हुए हैं, यही कहना चाहूंगी, सरकार कोई भी हो, देश हमारा है, खेती हमारी है, किसान हमारे हैं, जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप की। इस बात को ध्यान रखना और एक शक्ति को आप बरकरार रखना, किसान एकता। आप देखना नेता नसल आने वाली पीढ़ी तक जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है वो कैसे सुधरती है। आप अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट ले जाने भी बहुत जरूरी है, जैसा बताया हमारे बड़े भाई ने, सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। बिल रद्द करवा के ही जाएंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। और एक बात बता दूं, आंदोलन सक्षम हो चुका है। आपका एकता, आपका विश्वास, आपका एक रहना गर्माहट पैदा कर रहा सरकार के नुमाइंदों में। तो मेरा अनुरोध है, जब जब कोई आवाज लगे आप जरूर से सम्मान आइएगा। एक बात से आपको ध्यान रखना है, जब जब आप याद रखेंगे इस बात को, आने बाद 10 साल बाद भी, हाँ एक बच्ची आई थी, एक बेटी आई थी, वो एक बात बोल के गई थी, अगर आप इसको बरकरार रखेंगे कोई सरकार आपके आत्मसम्मान को नहीं घटा सकती और आपके अधिकार को नहीं छीन सकती। मेरा विश्वास है आपको, बस ये बरकरार रखना है।